महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित 5 दिवसीय ललित कला महोत्सव में शनिवार को एकल गायन प्रतियोगिताओं में 10 स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। एकल गायन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने गायन प्रस्तुत किए। ललित कला महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण जी श्रीवास्तव, संयोजक संजय मोहन, प्रदीप नारायण सहित प्रतिभागी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, साइड में जो कुर्सियां लगी हुई हैं, वहां पे आकर के अनुशांत मिश्रा, पुरुषार्थ सिंह, मोहम्मद अरसलान प्रारंभ करने जा रहे हैं कनिष्क वर्ग से।
बोले 30 रुपए। वो समझ ये कह रहे अच्छा यम जी पढ़ते हो, थैंक यू। अभी सर बोले हैं कि चांद पे कौन कौन जाना चाह रहा है। सर ने पहले आवेदन किया अपना आधार कार्ड लगा के चांद पर जाने के लिए आया हूँ। तो नीतीश सर भी बोले हैं कि भैया देखिए कुछ भी हो जाए हमारा मजाक मत उड़ाइए, आप हम लोगों के दिल में बसते हैं। यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबके दिल में आप लोग बसते हैं। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे हमें टीचर मिले बड़ा मजा आता था। हमको बहुत ज्यादा कूटे थे सर, इतना कूटे कि हमारा आईडिया नहीं बढ़ा। अच्छा अब हम पॉइंट पे आते हैं। हमारे देश के नेता और अभिनेता लोग पहुंच गए चांद पे। भैया धरती संभल नहीं रही है, चांद पे संभालने पहुंचे। जैसे पहुंचे देखिए भैया चांद पे सबसे पहले पहुंचने वाला पप्पू, अरे आदमी मैं हूं, अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा भैया। धरती पे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, मैं तो पूरे चांद का प्रधानमंत्री बनूंगा भैया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ये देखिए गर्लफ्रेंड के नाम सुनते ही इतने उतावले हो गए हैं। यहाँ पर को एजुकेशन होना चाहिए भैया। भैया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा चांद पे, अपनी गृहस्थी भी बसाऊंगा। पगला चांद पे तुम सबसे पहले पहुंचा है कि हम सबसे पहले पहुंचा है? हम लालटेन लेके आधा घंटा पहले पहुंचा, लालटेन में हम मट्टी का तेल डाला और नीचे धरती पर पीला जल रहा था। जैसे चांद पर लेकर आया वो पीला से एलईडी हो गया। हम प्रधानमंत्री बनेगा, हम यहाँ बनेगा, बिहार का लोग है, उड़क चिड़िया को हरदी लगावत है। हम प्रधानमंत्री बनते हैं पूरे चांद को हरदी लगा देंगे। धरती से कोई देखेगा तो कन्फ्यूजिया जाएगा, अबे चंद्रमा है सूरज में। महोदया माँ योगी आदित्यनाथ ऐश्वर्य के शपथ लेता हो क्या? उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सुरक्षा ये दोनों तो था है, चांद पर भी शिक्षा और सुरक्षा ये दोनों मुहैया कराएंगे। आज अपने ही देश के जानने वाले लोग इसके आप ठोकर खाना बताओ उसके जिंदगी के रहा। अरे कौन कहां से क्या बोलता है सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। बकर की अम्मा कब तक खैर मना के एक दिन जरूर बटाएगी। जय श्री राम। चाहिए कि नहीं चाहिए तो जाइए, धरती से मेरे लिए भी एक गिलास लेकर आए। अरे कैसा बात करता है मजनू, कैसा कैसा राजनीति चल गया है। धरती पर राजनीति गंदी थी ही, अब चंद्रमा पर भी राजनीति गंदी हो गई है। नहीं मैं आ गया हूँ, अब किसी की दाल नहीं गलने वाली है। मैं नाना पाटेकर, मैं यहाँ पर अपना फिल्म बनाऊंगा और एक ही डायलॉग बोलूंगा। बताओ ये तेरा खून है मेरा खून, बताए कौन हिंदू का खून कौन मुस्लिम का खून। बहुत अच्छा है। अरे भैया कंट्रोल हो जाओ, हम राजपाल यादव हम भी आ गए हैं भैया। हम सरकार बनाएंगे तो क्या हुआ, हम तो पिक्चर बनाएंगे, देख लो हमारी बातों का मजाक ना समझो। हम का मंदिर का घंटा है, साला कोई आता है बजा कर चला जाता है। मैं चंद्रमा पर पहुंच गया, अच्छा मुझे फिल्म बनाने से रोक नहीं। यहाँ पर मेरा डायलॉग होगा, आय अंजलि धरती मेरी माँ है, चंद्रमा मेरी बहन है, और सूरज मेरा जीजा है। मैं तुम्हें बोल जाऊँ यह हो नहीं सकता, अच्छा मुझे बोल जाओ ये मैं होना नहीं दूंगा।
मैं भी आ गया हूँ, मैं भी चंद्रमा पर, क्योंकि मेरी अम्मी जान कहती है कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा नो 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 कोई धर्म नहीं होता। तो फिर क्या, मैं भी चंद्रमा पर आकर पान बीड़ी सिगरेट सब बेचूंगा, क्योंकि डॉन को पकड़ पाना मुश्किल नहीं, नो नामुमकिन है। बाबू हम भी आ गए हैं बाबू, और यहाँ का माहौल बहुत पसंद बा, यहाँ के वातावरण पसंद बा बाबू, चंद्रमा के माहौल पसंद बा, ठंडा लगत बा बाबू, जिंदगी ठंड बा फिर भी पसंद बा। अरे बाबू हम ये धरती पर ये डायलॉग बोलते ही थे, अब चंद्रमा पर भी बोलेंगे, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए बाबू, जिंदगी ठंड बा फिर भी पसंद बा। एक्टर्स आते हैं अपने एरोप्लेन से, और हमारे एमजी के जितने भी छात्र हैं वो सब रेसिंग कार से आते हैं, वो भी सब कहते हैं मुझे ना देख रहे इन लोग का स्वागत करता है एक कुत्ते का बच्चा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस यही कहना है आप बढ़िया बने, बढ़िया तो पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। अपने बहुत ही बेहतर माहौल आज सुबेरे में हम लोगों की वाद विवाद प्रतियोगिता इसी मुख्य मंच पर प्रारंभ हुई थी, जो कि अभी भी चल रही है, वरिष्ठ वर्ग की और कनिष्ठ वो सीनियर वर्ग की। उसके बाद से आज एकल नृत्य का स्क्रीनिंग राउंड हुआ है, जिसमें कि लगभग 400 से ऊपर बच्चे थे, उनको स्क्रीनिंग करके कल उनका फाइनल 2 बजे से आयोजित है। निश्चित रूप से जो उद्देश्य है सोसाइटी का कि इससे हमारे विद्यालय के छात्रों का अन्य विद्यालयों से भी बेहतर मुकाबला हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी पब्लिक स्कूल हैं, सभी अनुदानित विद्यालय हैं, कम से कम 70-75 कॉलेजेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रोजाना, जिससे हमारे विद्यालय के बच्चों को भी उनकी क्षमता और उनकी बातों को जानने का अवसर मिल रहा है। और इस वक्त यह गायन प्रतियोगिता चल रही है जिसका आनंद पूरा विद्यालय ले रहा है, और मुझे विश्वास है कि इस महोत्सव से इस नगर में मंचीय कार्यक्रमों की परंपरा आगे बढ़ेगी, और सोसाइटी अगले वर्ष एक परमानेंट मंच बनाने जा रही है जिसपे कि हम एकांकी नाटक गायन और नृत्य की प्रतियोगिता हर 2-3 महीने पे कराते रहेंगे, ताकि इस नगर के बच्चों को बेहतर अवसर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।